चंडीगढ़ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम भगवंत मान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी। पंजाब सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होगी, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बैठक में कई बड़े फैसले पर लग सकती है मुहर। विधानसभा के आगामी सत्र की तारीखों का भी ऐलान हो सकता है, तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। पंजाब से पर चंडीगढ़ से सामने आ रही है। आज पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में बैठक होगी। पंजाब सचिवालय में बैठक का आयोजन हो रहा है, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बैठक में कई बड़े फैसले पर जो है आज मुहर लग सकती है। विधानसभा सत्र की तारीखों का भी ऐलान हो सकता है इस बैठक में, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज जो है पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक है। सीएम भगवंत मान बैठक की अध्यक्षता करेंगे, वहीं पंजाब सचिवालय में बैठक का आयोजन होना है, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बैठक में कई बड़े फैसले पर जो है आज मुहर लग सकती है। विधानसभा सत्र की तारीखों का भी आज ऐलान हो सकता है, तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आज पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक होगी। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी ईशा ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुकी है। ईशा, जिस तरीके से पंजाब कैबिनेट की आज बैठक होनी है और इस बैठक में कौन कौन से वे मुद्दे रहेंगे जिन पर जोर रहने वाला है? पंजाब की जो कैबिनेट की बैठक मान की अध्यक्षता में होगी, और इस बैठक पर इतनी भी नजर टिकी हुई है, पिछली बार जब मान सरकार की तरफ से विधानसभा सत्र बुलाया गया था उसे अवैध करार दे दिया था पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने, लेकिन एक बार फिर पंजाब सरकार पहुंच जाती है सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पंजाब सरकार के हक में फैसला सुनाया जाता है, और ऐसे में आज की कैबिनेट जो बैठक है उसमें माना जा रहा है कि विधानसभा सत्र की जो कार्यवाही रहेगी उसकी तारीखों का ऐलान आज किया जा सकता है, उस पर मोहर लग सकती है। ये माना जा रहा है कि 28, 29, 30 नवम्बर को विधानसभा का सत्र बुलाया जा सकता है। अगर इन 3 दिनों में सत्र नहीं बुलाया जाता है तो दिसंबर के पहले सप्ताह में विधानसभा का सत्र हो सकता है, और ऐसे में इसके अलावा ये भी माना जा रहा है कि जो पंजाब की मान सरकार है वो कहीं और नौकरी भी दे सकती है, जो युवा है पंजाब के उनके लिए और भी पोस्ट निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सरकारी मुलाजिम का, उनका जो डीए रुका है पंजाब की मान सरकार ले सकती है, लेकिन यहाँ पर नजर टिकी है विधानसभा सत्र की कार्यवाही को लेकर, क्योंकि कई जो प्रस्ताव है वो एक प्रस्ताव केंद्र सरकार के खिलाफ भी आना है, उन सभी मुद्दों को लेकर आज चर्चा कैबिनेट की बैठक में की जाएगी। लेकिन जब मोहर लगेगी वो विधानसभा की जो तारीख है वो कब से विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी उस पर रहेगी, और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान थोड़ी ही देर में यहाँ पहुंचेंगे और उनकी अध्यक्षता में ही ये बैठक शुरू होने वाली है। जी ईशा, जिस तरीके से कैबिनेट बैठक में कई मुद्दों पर जो है फोकस किया जाएगा, लेकिन ईशा क्या आज इस बैठक में किसानों के लिए कोई फैसला हो सकता है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर किसानों को लेकर एक नजर इसलिए टिकी है पंजाब और हरियाणा, क्योंकि यहाँ पर बड़ी स्तर पर पराली अभी भी जलाई जा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से कल सुनवाई हो रही है पराली मामले को लेकर, और आज पंजाब और हरियाणा में किसानों का प्रदर्शन भी है, डीसी कार्यालय का वो घेराव करेंगे, और मांग यहाँ पर की जा रही है कि जो ऊपर की गई है उसे वापस लिया जाए। ऐसे में पराली के संबंध में सरकार क्या निर्णय लेती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी है मांग सरकार को, और ये भी कहा है कि पराली के मामले में राजनीति ना करे पंजाब सरकार और सख्त से सख्त कदम उठाए, और कल पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जवाब भी दाखिल करना है। और ऐसे में पंजाब सरकार की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके मुताबिक पिछले 3 दिनों में 700 के करीब ही मामले सामने आए हैं पराली जलाने के, लेकिन जो किसान हैं उन पर जुर्माना लगातार लगाया जा रहा है और FIR भी दर्ज की गई है। इसके अलावा जो SSP हैं और DC हैं उन्हें भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जहां पर पराली बहुत अधिक संख्या में जलाई जा रही है, क्योंकि सख्ती यहां पर बरती गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो ऐसे में पराली के संबंध में भी कोई निर्णय यहां पर सरकार लेती है या नहीं ये देखना होगा। लेकिन इसका ठीकरा कहीं ना कहीं मान सरकार केंद्र सरकार पर कोर्ट की भी नजर आ रही है, उनका कहना है कि हम चाहते जो पराली का प्रबंधन है उसका केंद्र सरकार पंजाब सरकार को दे, ताकि प्रति एकड़ 1500 रुपए केंद्र सरकार दे और 1000 रुपए मान सरकार उसका वहन करेगी, तो ऐसे में सहयोग कहीं ना कहीं
जो किसान है पंजाब उनको मिलेगा जी। पराली लगातार यहाँ पर जलाई जा रही है, आंकड़े जो जारी किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से उसमें ये जिक्र किया गया है काफी कम संख्या में यहाँ पर जलाई जा रही है, FIR यहाँ पर दर्ज हो चुकी है किसानों के खिलाफ। वही किसानों का भी कहना है कि वो प्रदर्शन करेंगे जब तक ये मामले वापस नहीं होंगे। जी जी ईशा, जिस तरीके से कैबिनेट बैठक चल रही है और लगातार जो है बैठक में कई मुद्दे उठ सकते हैं, जिस तरीके से पराली का मुद्दा है, विधानसभा सत्र की तारीखों का ऐलान हो सकता है, क्या युवाओं के लिए या फिर बेरोजगारी खत्म करने के लिए जिस तरीके से मानसर का लगातार युवाओं को नौकरी वहां पर देती है, तो ऐसा कोई फैसला या ऐसा कोई निर्णय इस बैठक में रह सकता है? ईशा, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी, जिस तरीके से कैबिनेट बैठक में कई अहम मुद्दे जो है आज रहने वाले हैं, जिस तरीके से किसानों का मुद्दा हुआ है या फिर विधानसभा सत्र की तारीखों का ऐलान हो सकता है, तो इस तरीके से क्या युवाओं के लिए भी आज कोई पिटारा मान सरकार के द्वारा खुल सकता है? जी देखिए, पंजाब के जो वित्त मंत्री है हरपाल सिंह चीमा, आज वो 9:30 बजे ही पंजाब सचिवालय पहुंच चुके हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि उनकी तरफ से कोई बड़ा यहां पर एक तैयार किया जा रहा है खाका कि किस तरीके से वित्तीय स्थिति जो पंजाब की है उसे आंका जाए, और साथ ही जो सरकारी मुलाजिम है उनका जो डीए रुका है उसे दिया जाए, और साथ ही नौकरी का सृजन किस तरीके से किया जाए यहाँ पर। तो यही माना जा रहा है कि मान सरकार, क्योंकि राजस्थान और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो वहाँ आम आदमी पार्टी सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, 230 सीटों पर। देखिए मध्य प्रदेश और राजस्थान में जिस तरीके से चुनाव में कहा गया था मुख्यमंत्री भगवंत मान और आपकी अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि पंजाब में जो युवा है 35,000 से अधिक युवाओं को हम सरकारी नौकरी दे चुके हैं 1.5 साल। जी ईशा, जिस तरीके से आज कैबिनेट बैठक होनी है और कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी, सभी की निगाहें जो है इस बैठक पर बनी हुई है, आप नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा करी।